हैं क्योंकि हम दोनों के और हमारी बेटी के लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अल्लाह ना करे कि हम लोगों की तबीयत बहुत ख़राब है, क्रिटिकल कंडीशन है और ये है। अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया है। आज 13वां दिन है और माशाल्लाह हम तीनों बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं इस वक्त हम तीनों, और ख्याल कर रहे हैं अपना। फरीद भाई कह रहे हैं। अच्छा हम एक्चुअली ज़्यादा लाइव नहीं जाते, लेकिन आज हम लोग जान के से लाइव जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों की 18वीं शादी की सालगिरह है और वो एक अनोखी है। हाँ, ये 2020 जो है ये याद रहेगा हमें कि 18 साल हमारी शादी को गए और हम 13 दिन से हम ऊपर वाले पोर्शन में अपने हम आइसोलेट हैं और ये यादगार रहेगा। वैसे यादगार रहेगा 13 दिन हम एक कमाल की बात है कि निदा लड़ाई नहीं की, तो मैं तो वैसे भी नहीं करता लड़ाई। थोड़ा घबराहट भी थी, एंजाइटी भी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है। अपना ख्याल रखें सब, और जब मैं शो पर आऊँगी तो मैं शो पे आके बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए प्रॉपरली। सूरज सामने से भी आ रहा है। हम कलौंजी खाते हैं, विटामिन सी की गोलियाँ, जिंक लेते हैं हम लोग, और सनापत्ती की पत्ते की चाय, दालचीनी, अदरक की चाय, जितने भी देसी टोटके हैं, अंग्रेजी टोटके हैं, नींबू पानी, वो सब किया हमने। और हम ये हमारे पड़ोसी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम जहाँ रहते हैं फाल्कन एयरपोर्ट का एरिया, तो वहाँ पर हमारे उसमें ये है कि ऐसे ऐसे लोग कहाँ से नंबर लिया, उन्होंने मैसेज कर दिया कि हमने वो बिस्किट भिजवा दिए आपको, वो खाइएगा ज़रूर, हमने आपको सना मक्की की चाय की भिजवा दी है, भिजवा दिए। हमारे पड़ोसी हैं कोकब साहब जो हैं कुरैशी साहब, उन्होंने आबे जमजम भिजवाया, और बल्कि कल कलौंजी में भी कुछ खराब, कुछ पुरानी कलौंजी खराब हो गई थी, कलौंजी भिजवा दी उन्होंने। तो वो पड़ोसी बहुत ख्याल कर रहे हैं, नदीम भाई आम, कल आम भिजवा दिए उन्होंने, तो काफ़ी इस वक्त पड़ोसी ख्याल कर रहे हैं। दूर 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 के लोग इतना पूछ रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि लोग लग रहा था मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बहुत, मगर अब हमें एहसास हुआ है कि लोगों में वाकई भी अभी बहुत इंसानियत बाकी है। मंसूर साहब बड़ा हमारा पूछा, हमारी जो हमारी कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं मंसूर साहब, उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा, पूछा हमारा तबीयत, पूछते रहे हमारी। तो कहने का मकसद ये कि अभी भी लोग अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग दीमारदारी ख्याल पूछना है दूसरे का ये रख रहे हैं, ये इससे आपको हौसला मिलता है। ये कह रहे हैं यहाँ से डे बाय डे बहुत स्टाइलिश होते जा रहे हैं, अब स्टाइलिश होते जा रहे हैं, मेरे साथ रहोगे पैसे। हाँ, बस मैं इर्तुगल देख के इर्तुगल होता जा रहा हूँ। मैंने 12 दिन, अभी 13वां दिन है आज, 13 दिन मेरे गुजरे हैं इर्तुगल के, मैंने एपिसोड्स देखे हैं, और वो देख देख के ना हो रहा होता था कि मुसलमान जीत रहे हैं, जमहूरी मुसलमान जीत रहे, तो उसमें वो एक पूरा टाइम पास हो गया अच्छा। तो मेरा क्वारंटीन पार्टनर है, बच्ची, उनके लिए बाकी अकेले 14 दिन गुजारना तो जेल की तरह ही है, एक तरह से देखे जाए तो हम होम अरेस्ट है। मजा आया, हम साथ बैठे, हमने बहुत सारा टाइम दिया, तबीयत सही रहेगा तो। क्या आप लोग बता सकते हैं हाउ इट फील्स लाइक, क्या क्या बता सकते हैं कि हाउ डज कोरोना फील लाइक? देखिए, मुझे जो सिम्टम्स थे वो तो बुखार था मुझे, जिसम में दर्द था, बॉडी एक और वीकनेस हो गया थी मुझे। तो अगर यासिर को बुखार ना होता और यासिर के कलीग जो है उनको पॉजिटिव ना आता रिजल्ट, तो शायद हम लोग टेस्ट भी नहीं आते। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स नहीं होते मगर उनके घर में या उनके आसपास कोई बीमार है, इसका मतलब है जी। तो जनाब, ये वीडियो अपलोड करने का मकसद यही था कि अगर जिनको कोरोना नहीं हुआ या जो इस प्रोसेस गुजर रहे हैं वो भी थोड़ी हेल्प ले लें कि हमें क्या ट्रीटमेंट चाहिए और हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, देसी टोटके या जो भी सिस्टम है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।